तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आपके 12 चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं हम लोग। ये आपका 13वां चैप्टर है। इसके लास्ट में बात करेंगे हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। याद रखिए, इससे पहले आपकी जितनी भी क्लास ली गई है कक्षा 6वीं से लेकर अभी तक, वो सभी आपकी एक प्लेलिस्ट सूची में डली हुई है। उसका नाम है आपका एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज नाम से, ठीक है। और याद रखिए, जितनी भी आपकी 12th तक की जितनी भी क्लासें होंगी वो भी इसी प्लेलिस्ट सूची में आपको मिल जाएगी। इसकी जितनी भी PDF है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। याद रखिए, एनसीईआरटी इतनी साधारण यानी कि सरल शब्दों में लिखी गई है कि इसमें आपकी आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रॉब्लम एक ही जगह आती है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है और कौन कौन सी क्लास की कहाँ मिलेंगी। तो इसका सबका समाधान कर दिया गया है। इसकी सभी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। एक से दो बार आप लोग पढ़िए, आराम से निकल जाइए, सब कुछ हो जाएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही ताल चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तत्व का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप को पहले पढ़ लीजिए। तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए और इसे चित्र 13.1 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं एक्स और वाई के बीच रखिए। तार एक्स वाई कागज की सतह के लंबवत रखा है। इस तार के तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए और दिक सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप लोग याद रखिए, इस तरह के क्रियाकलाप जो भी होते हैं उन्हें आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से, इसे आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। जो 10th में पढ़ता होगा बच्चा वो अपने आप करते रहेगा, लेकिन आप स्टेट PCS या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी NCERT खत्म करनी है। इसलिए आप लोग क्रियाकलाप पढ़िए, लेकिन उसके नीचे जो एक तरह से आपका निष्कर्ष दिया रहता है इन लाइनों में, इसे जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। इस चित्र को देख लीजिए। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक सूचक सुई विक्षेपित होती है। सीधा धारावाहिक चालक प्रतिरोध ये दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस। आप भी सेल में जब भी बैटरी में कहीं देखते होंगे तो इस तरह आप लोग देखते होंगे। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टरटैड। इनका जीवन रहा है 1777 से 1851 तक। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टरटैड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने आकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टरटैड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, और उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाश की आदि का सृजन किया, और उन्हें उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टरटैड रखा गया। बड़ा उच्चारण में आप लोग सही उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। उच्चारण करने में मुझे कई जगह इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्र तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। इसके साथ ही हम विद्युत जनित के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो
जो गतिमान चुंबकों की विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। आप लोग देखिए, इस टॉपिक में आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिला होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए कह रहा हूँ आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं की बात करें अगर हम लोग, हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को हम लोग उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। ये आप लोग चुंबक जब देखिए, चुंबक आप लोग चिपकाते होंगे तब आपको अनुभव भी होता होगा, ठीक है। इस क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज लाइए, इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए और छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण चिपकाइए और इस कार्य के लिए नमक छितरावक का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? इस तरह से छड़ चुंबक के निकट का लोह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। लोह चूर्ण स्वयं को चित्र 13.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। और लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है, यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है? चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी है? वास्तव में आप स्वयं किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। क्रियाकलाप इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। क्रियाकलाप को केवल पढ़ना है, इसमें आप लोग करते नहीं बैठ जाना है। फिर आप चुंबक इकट्ठा करने लगे, छड़ इकट्ठा करने लगे, इसी में मालूम चला कि दो से चार महीना एक ही चैप्टर में आपको खत्म हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक छड़ चुंबक तथा एक सूची दिख सूची लीजिए। किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफेद कागज को के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। दिख सूची को चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है? दिख सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिख सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिख सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिख सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तरी ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए और चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि इस निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपयुक्त क्रिया को दोहराइए और जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको चित्र 13.4 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिख सूची के विक्षेप का परीक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती जाती है। इन चित्रों को देख लीजिए। 13.3 को दिख सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। किसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग की एक तरफ आप देखते थे कि चुंबक को चिपकाते थे, दो चुंबक एक चुंबक को दो हिस्सों में बांट देते थे।
एक तरफ लाते थे तो वो चुप चिपक जाती थी, और दूसरी तरफ लाते थे तो एक दूसरे से दूर भागती थी। आप बचपन में इस तरह के खेल खेलते रहते थे अपने आप में। इसको पढ़िए, सबसे जरूरी यही रहता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाते हैं। चित्र 13.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशान पर ध्यान दीजिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखा की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, और अर्थात वहां विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करता है। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। क्रियाकलाप 13.1 में हमने देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। इस तरह क्रियाकलाप 13.4, एक लंबा सीधा तांबे का तार 1.5 वोल्ट के दो या तीन सेल और एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र 13.5A में दर्शाए अनुसार सरणी क्रम में संयोजित कीजिए, ठीक है, इस तरह से। और सीधे तार को दिक् सूची के ऊपर उसी सुई के समांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 13.51 में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है हो रही है तो दिक् सूची का उत्तर उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। चित्र 13.5 में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए, और इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। दिक् सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो रही है। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे लंबे तांबे के तार को किसी दिक् सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूची का विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। देख लीजिए इसे। अब बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है, या इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय पैटर्न पर विचार करेंगे। क्रियाकलाप 13.5 को देखिए। एक 12 वोल्ट की बैटरी एक परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक जो 0 से 5 एम्पियर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी और एक लंबा मोटा सीधा तांबे का एक तार लीजिए। आप लोगों को इसलिए रोकता हूं क्रियाकलाप करने के लिए क्योंकि आप देखेंगे इन्हें सबको इकट्ठा करने में आपके पास कितना टाइम बर्बाद होगा आपका। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए और उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। चित्र 13.6A में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदुओं एक्स वाई के बीच सैनी क्रम में बैटरी एमीटर और धारा नियंत्रक को प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। इस तरह से तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लोहे चूर्ण एक समान रूप से चिपकाइए। इसके लिए आप नमक चित्रावक का भी उपयोग कर सकते हैं।
धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए और एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदुओं एक्स और वाई के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लोह चूर्ण के पैटर्न का परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लोह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्त के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। चित्र आपका 13.6 की तरह, 13.6B की तरह, ठीक है, इस तरह। ये साकेंद्री वृत्त क्या निरूपित करता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। ए में आपने देखा है किसी विद्युत धारा वाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न। वृत्तों पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं को दर्शाता है और इसमें आपका प्राप्त पैटर्न का समीप दृश्य है बी चित्र में, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। वृत्त के किसी बिंदु जैसे कि पी पर दिक सूची रखिए, सुई की दिशा का प्रेक्षण कीजिए और एक दिक सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इसे दिशा को तीर द्वारा दर्शाएं। यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी, इसका भी परीक्षण कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ नीचे, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दें तो किसी दिए गए बिंदु पर रखी दिक्सूची के विच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विच्छेद में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा की परिमाण में वृद्धि होती है तो विच्छेद में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है परंतु दिक सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है तब दिक सूची के विच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए हम दिक सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु यानी कि क्यू पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं। हम यह देखते हैं कि दिक सूची का विच्छेद घट जाता है और इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चित्र 13.6 से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा वाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के वाले साकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये भी काफी आप लोगों ने सुना होगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जो जैसा कि चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त या दाया हाथ या फिर अंगुष्ठ का नियम आप लोग कहते हैं। इसे उदाहरण को भी पढ़ लीजिए। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। इसे हल करें तो विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी और इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो ऊपर हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप अगर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है और बेहतर रहेगा आप लोग, क्योंकि साइंस में ना तो मैं कुछ ज्यादा ज्ञानी हूँ और ना ही आप, बराबर लगभग हैं आप लोग। हो सकता है कि आप मुझसे आगे हो, तो
इसलिए आप लोग खुद से पढ़ लें साइंस को, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मैं तो इसलिए कवर करवा रहा हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ये हो तो बड़ा मजा भी आता है पढ़ने में। इसके लिए आपका प्रैक्टिकल हो तो साइंस भी आपका मजेदार बन जाता है। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास यानी कि लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होता है? हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले तार केंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता होता जाता है। इसे आप लोग इस तरह से देख भी सकते हैं। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन बेहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है और तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमता निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में केवल एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा एक समान है, अतः वृष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 13.6 को भी देख लीजिए। इसे एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें दो छिद्र हो, एक ऐसे वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र 13.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को सड़ी क्रम में बैठी एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लोहे चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे उसका परीक्षण कीजिए। इसकी बात कर रहा हूं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलते हैं हम लोग, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को जान लेते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इस तरह किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 13.10 में दर्शाया गया है। इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 13.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या एक जैसे जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा आपको दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, या निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या? विद्युत चुंबक कहते हैं। ये आप देख रहे हैं 13.10 में किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, और ये आपको दे रहा होगा किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, एक विद्युत चुंबक। ठीक है, एक क्वेश्चन से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसे भी जान लेते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखी किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर
इनकी जिंदगी रही 1875 से 18 माफ करिए 1775 से 1836 के बीच। इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा आप लोग निर्देशित किया जा सकता है। पढ़ लीजिए इस क्रियाकलाप को 13.7 को। एल्यूमिनियम की एक छोटी छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लीजिए। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज लटकाइए। इस तरह से एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से सुव्यवस्थित कीजिए, छड़ के छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखिए, और एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक के साथ सरणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्यूमिनियम छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए, और आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाई दिशा में व्यवस्थापित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाई ओर विस्थापित होती है, छड़ क्यों विस्थापित होती है इसे देख लीजिए। पहले आगे बढ़ते हैं। फिर विद्युत धारा वाही छड़ एवी अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है और सरलता के लिए चुंबक की टैग नहीं दर्शाई गई है। क्रियाकलाप के बाद इसे जरूर पढ़ना है आपको। उपयुक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारा वाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र बल विद्युत धारा। क्रियाकलाप 13.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे हम लोग फ्लेमिंग या फिर का वाम हस्त बायां हाथ नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित और ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। आगे के कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटरों और विद्युत जनित्रों के बारे में विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस उदाहरण को और देख लीजिए आप लोग। चित्र 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी इसमें? ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, दाई ओर, बाई ओर, कागज से बाई की ओर आते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका विकल्प होगा डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिए कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए दिखाई देगी आपको।
ठीक है, ये भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं औसत में चुंबकत्व। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और यहां तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी पर तक वहन करती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होता है। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे है हृदय और मस्तिष्क, यानी कि हार्ट और आपका मस्तिष्क हेड। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है और ऐसा एक विशेष तकनीक जैसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है और इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। क्या है? महत्वपूर्ण उपयोग भी है। अब बात करते हैं विद्युत मोटर के बारे में। किसके? विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये भी कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत मोटर का क्या काम होता है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में एक तरह से रूपांतरण करता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिस्कों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयरों आदि में भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है? इस चित्र को देख लीजिए, सरल विद्युत मोटर है ये। चित्र 13.15 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, ABCD, और यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के 2 सिरे विभक्त वलय के 2 अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है और तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः 2 स्थिर चालकों वृक्ष X और Y से स्पर्श करते हैं। X और Y, ये X और ये Y। बैटरी से चलकर चालक वृक्ष X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है यहाँ से इस तरह से, और चालक वृक्ष Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। और ध्यान दीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर और भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः A और AB और तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुपयोग करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरी मुखी धकेलेगा। इस प्रकार किसी भी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली और धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं और आधे घूर्णन में Q का संपर्क वृक्ष X से होता है और P का संपर्क वृक्ष Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA की अनुदिश प्रवाहित होती है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है और विद्युत धारा की उत्क्रमित होने पर 2 भुजाएं भुजाओं AB और CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी अब ऊपरी मुखी धकेली जाती है, तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपरी मुखी धकेली गई थी अब वो अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा करती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके परिणाम फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में आप देखेंगे स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है और कुंडली नरम लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नरम लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं।
इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटर की शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आपके इसी से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। हमने यह पढ़ा है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है अथवा किसी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा? इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 में माइकल फराडे ने किया था। कब? 1831 में। इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। और इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप देख लेते हैं हम लोग इस क्रियाकलाप को देख लेते हैं 13.8 को। अनेक फेरों वाले तार की एक कुंडली ए बी लीजिए इस तरह से, और कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर के चित्र से चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार संयोजित कीजिए। एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए और इसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। क्या आप गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई परिवर्तन पाते हैं? इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। मान लीजिए कि यह दाईं ओर है, यह कुंडली एबी में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे कि चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाएगा। अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है, जो यह दर्शाता है कि परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले की विपरीत है। यहाँ आप घड़ी भी देख रहे होंगे, ठीक है? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल चुंबक का। चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के सिरे की बी की ओर। हम यह देखते हैं कि जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। इस प्रकार जब कुंडली को उत्तरी ध्रुव से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर आपको विक्षेपित होती है। जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर की विक्षेप शून्य हो जाता है। इस क्रियाकलाप को आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस क्रियाकलाप के बाद जरूर नीचे जो लाइनें दी रहती हैं उन्हें जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि पूरा एक निष्कर्ष उसी में छुपा रहता है। आपका क्रियाकलाप पढ़ने का क्या करने का उद्देश्य रहता है वो आपका इसी में रहता है। आप यह जान सकते हैं कि यदि आप चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली के बी सिरे की ओर गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति उसके जिसमें उत्तर ध्रुव का उपयोग किया गया था के विपरीत होगा। जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। अतः इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ देख लीजिए आप लोग, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक आपको शून्य प्रमाणी के मध्य पर रहती है, और यह अपने शून्य चिन्ह की या तो बाईं ओर या फिर आपको दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, या विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये चित्र। इनके बारे में भी आप लोगों ने काफी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। माइकल फराडे, इनकी जिंदगी यानी कि जीवन काल रहता है 1791 से 1867 तक। माइकल फराडे एक प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अपने जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। फराडे जल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे, और इससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक विख्यान सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के विख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की और जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। अनेक विश्वविद्यालय में उन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास भी किया, और परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मानों को ठुकरा दिया। फराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। एक समझिए आप लोग कि अगर आपको एक तरह से कुछ सीखना है
तो आप माइकल फराडे इन विज्ञानिकों से सीख सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस संघर्ष क्या होता है। देखिए इन्हें, मतलब आप सोचिए कि आजकल आपके पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं फिर भी आप लोग नहीं आगे निकल पाते, उनके जिनके पास सुविधाओं की कमी थी वो निकल जाते हैं। ठीक है, इससे कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। आइए अब हम क्रियाकलाप 13.8 में कुछ परिवर्तन करते हैं और गतिमान चुंबक को ऐसी विद्युत धारावाही कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 13.9 को पढ़िए पहले आप। तो तांबे के तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो, जैसे क्रमशः आप देख सकते हैं 50 या 100 फेरे हो। इन कुंडलियों को चित्र 13.17 में दर्शाए अनुसार किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। आप मोटे कागज को भी खोखले बेलन के रूप में लपेट कर या कार्य कर सकते हैं। कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है सड़ी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए, और अंड कुंडली जो आपकी अन्य जो दो है इसे चित्र 13.7 में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। कुंजी को प्लग में लगाइए और गैल्वेनोमीटर का परीक्षण कीजिए। क्या इसकी सुई कोई विक्षेप दर्शाती है? आप यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती। यह कुंडली दो में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचित करता है। यहाँ कुंडली एक हो गई, कुंडली दो आपको दिखाई दे रहा हो। कुंडली एक में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली दो में विद्युत धारा प्रेरित होती है। बैटरी से कुंडली एक को वियोजित कीजिए। आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली दो में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस क्रियाकलाप में हम एक निरीक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली एक में विद्युत धारा स्थायी होती है कुंडली दो से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। इन प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कहीं भी कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा आरंभ तथा अथवा समाप्त होती है, तो कुंडली दो में एक विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली एक को प्राथमिक कुंडली, कुंडली दो को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जैसे ही पृथक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार द्वितीयक कुंडली के चारों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं। अतः द्वितीयक कुंडली से समृद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने का कारण होता है। वह व्यतिक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये आपने देखा हुआ है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति। ठीक है, व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश इस परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठी को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, इस तरह से। और इस प्रकार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत जनित के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों पर हमने ऊपर अध्ययन किया है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण पर्याप्त बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों और उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक की को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके पर फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित के सिद्धांतों को दर्शाना इस तरह से। चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत जनित में एक घूर्णी आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरों जो सिरे दो बलों R1 R2 से संयोजित होते हैं, यहाँ ठीक है R1 और R2। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 और B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः बलों R और R2 पर दबाकर रखा जाता है। B1 ठीक है, B2 B1 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 B2।
बी टू, दोनों बलय आर तथा आर वन तथा आर टू के भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जब दो बलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली को की भुजा एवी की एवी ऊपर की ओर तथा भुजा सीडी नीचे की ओर और स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती। मान लीजिए कुंडली एबीसीडी कुछ 13.19 में दर्शाई व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में एबी तथा सीडी दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में एबीसीडी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्धघूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और BC BA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 और B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक अधिघूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवीयता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, इसे संक्षेप में आप लोग AC धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित यानी कि AC जनित भी कहते हैं। दृष्ट धारा की बात करें तो DC जिसे कहते हैं, जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय वलय प्रकार के दिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक वृत्त सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा वृत्त सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक परिवर्तक की कार्यप्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं और इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जनित को हम लोग दृष्ट धारा जनित यानी कि DC कहते हैं। दृष्ट धारा और तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे कि एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर एक 100वें सेकंड के पश्चात अपनी दिशा का उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से है और DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेरित किया जा सकता है इससे AC से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी आप लोग देख सकते हैं। अब बचता है लास्ट में आपका घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जिसे आप लोग मेंस भी कहते हैं से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो फिर धरती पर लगे विद्युत खम्भों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युन्मय तार यानी कि धनात्मक तार कहते हैं और आप लोग देखते होंगे सेलों में बैटरियों में भी आप लोग इसे देखते होंगे। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो याद रखिए इसे भी आप लोग अपने दैनिक जीवनचर्या में जब भी इस तरह के काम करते हैं तो याद रखिए जो लाल रंग होता है ये धनात्मक और जो ऋणात्मक होता है वो काला होगा, ठीक है, उसका आवरण। घर में लगे मीटर में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित यानी कि जोड़ दिया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रयाग घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संदिग्धों जैसे गीजर हो गया वायु स्थित या कूलर हो आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है जिसमें बल्ब पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार जिस पर प्रायः हरे विद्युत रोधी आवरण होता है घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है।
इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्र की में सुरक्षा की उपाय के लिए के रूप में किया जाता है। इसे आप लोग देखिए, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में एक परिपथ व्यवस्था आए, भूसंपर्क तार, विद्युन्मय तार यानी कि रेड यानी कि लाल रंग का, उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक, विद्युत प्रदायक बोर्ड का फ्यूज, एक विद्युत मापी, वितरण बक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज लगे होते हैं, इसमें यहां देख रहे होंगे आपको। धातु के आवरण से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सद्धित्य के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उसे संदिग्ध का वैभव भूमि के वैभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्य को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 13.20 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधित्यों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संदिग्ध का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छा अनुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी संदिग्धों को समान वोल्टता मिल सके और इसके लिए उन्हें परस्पर पाठ्यक्रम में संयोजित यानी कि जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथ का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय अनुभाग 12.7 में देखिए, हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इसका एक तरह से उपयोग इसलिए रहता है कि आपके उपकरण सुरक्षित बने सके, क्योंकि जब आपकी विद्युत एक तरह से बिजली ऊपर नीचे होती है यानी कि खराब होती है, तो उस समय सुरक्षा कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संदिग्ध को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युत विद्युन्मय तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा संदिग्ध में कोई दोष आता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा आकस्मिक बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पतन। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संदिग्ध को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना, फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है, और आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संदिग्धों को संयोजित यानी कि जोड़ने ने से करने से भी अतिभारण हो जाता है। ये भी क्वेश्चन है, ने भी देख लीजिए आपने क्या सीखा है। सबसे अच्छी बात है कि जितना बोरिंग है ये चैप्टर, जो अभी अभी कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें लास्ट में आपको निष्कर्ष बता दिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या था, क्या उद्देश्य था आपका। तो ये अच्छी बात है एक तरह से। दिक् सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है इसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसमें अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव माप गमन करने की प्रवृत्ति रखता है, और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाया जाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई जाती है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र समृद्ध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है जिसकी जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। विद्युत चुंबक में नरम लोहे क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के बल लंबवत होती है, जिसे आप लोग फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है,
एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारा वाही चालक के निकट रखी जाती है, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रभावित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा चालक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्लेविंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति 50 Hz यानी कि हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है, जिसे हम लोग विद्युन्मय कहते हैं। इसका रंग लाल होता है, ठीक है। दूसरा काला होता है, विद्युत रोधन होता है, जिसे उदासीन यानी कि ऋणात्मक कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वाट का वाल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भूसंपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भूसंपर्ककरण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि सद्धित्य के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा की कोई भी क्षरण होता है तो उस सद्धित्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। फ्यूज आप लोग सुनते रहते हैं। इसी चैप्टर के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए। और पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी थी, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए। उससे एक से दो बार पढ़ लीजिए, बहुत है। समझ में आए या ना आए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 12वां 13वां चैप्टर। मिलते हैं हम लोग 14वें चैप्टर में, ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका।